अभी आपने यहाँ पे फायरबोल्ट की ऑनिक्स का रिव्यू अनबॉक्सिंग देखा, हमने रिव्यू अनबॉक्सिंग किया था इसी वॉच का, बट अभी फायरबोल्ट की एक और वॉच आने वाली है जो कि पोस्टपोन हो गई है हाल फिलहाल में, जो कि है फायरबोल्ट की कोबाल्ट। यस, कोबाल्ट के बारे में बात करेंगे ए टू जी, आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं, लो प्राइसिंग का आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। इस बार फायरबोल्ट ने काफ़ी कमाल किया, रगेड बिल्ड क्वालिटी दे दी है। अगर आपने रॉयल या डायमंड या ओनिक्स बाय कर लिया तो आप थोड़ा सा यहाँ पे रिग्रेट फील करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे इस बार फायरबोल्ट ने बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे चीज़ें दी हैं, साथ में बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कमाल की दी है इन्होंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को आप सभी के लिए बिना किसी देरी के। सो वेलकम है गाइज, आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबॉक्स पे। आपको पता है कि फायरबोल्ट की इनविंसिबल सीरीज आई थी, उसके बाद आपकी रॉयल आई थी, उसके बाद डायमंड आई, उसके बाद यहाँ पे और भी ऑनिक्स आई, बट यहाँ पे फायरबोल्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फायरबोल्ट की कोबाल्ट आने वाली थी आज, खासकर आज लॉन्च होने वाली थी, क्योंकि उनके ऑफिशियल पेज पे हर जगह लिखा हुआ था 8/5 करके, जो कि 8 अगस्त 5 तारीख का था, बट वॉच कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो गई, मतलब अब 4 दिन बाद यहाँ पे लॉन्च करेंगे। तो ये 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में ही आएगी। अब यहाँ पे यूआई और सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, क्विक स्पेसिफिकेशंस की, जैसे कि ब्लूटूथ कॉलिंग तो हो गई, 130 इनबिल्ट वॉच फेसेस, एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, 466 पिक्सल्स के रिजोल्यूशन वाली, 750 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ मोशन सेंसिंग गेमिंग है, और 4GB स्टोरेज मिलेगा, जहाँ पे आप सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो, बर्ड्स को पेयर कर सकते हो, ऑफलाइन म्यूजिक प्लेयर की तरह यूज़ कर पाओगे इस वॉच को। अगर हम बात करें, ये प्रीमियम ल्यूक्स एडिशन वॉच की कैटेगरी में फॉल करती है, कह सकते हो आप बजट ब्रैकेट में आपको प्रीमियम वॉच मिलने वाली है। एंड आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे ऑनिक्स जैसी ही लुक लग रही है, बट ऑनिक्स से डेफिनेटली यहाँ पे रिजिड रगेड बिल्ड है, और फायरबोल्ट कोबाल्ट के ऊपर ब्रांडिंग मिल जाती है, और कह सकते हो ये ज़्यादा मतलब स्पोर्टी फील देती है आपके हाथों पर। तो जिसको स्पोर्टी वॉच पसंद है ज़्यादा, तो ये डेफिनेटली उनको पसंद आने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग की बात करें, वॉच फेसेस की बात करें, स्पोर्ट्स मोड की बात करें, रोटेटिंग क्राउन की बात करें, हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स की बात करें, स्टेनलेस स्टील बॉडी ओवरऑल मिलती है आपको, इनबिल्ट स्टोरेज, मोशन सेंसिंग, ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं आपको प्रीलोडेड इस वॉच में देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है स्टोरी में, कि इसका जो यूआई है ऑलमोस्ट सिमिलर है आपका फायरबोल्ट की रॉयल, डायमंड या ओनिक्स की तरह ही, एग्जैक्टली डिट्टो आइडेंटिकल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मतलब ए टू जेड सेम ही मिलेगा आपको, कुछ भी चेंज नहीं है। लेगेसी इन स्टाइल अगर हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हो फायरबोल्ट की चिप इसमें प्रॉपर यूज़ करेगी, मेड इन इंडिया यहाँ पे है ये प्रोडक्ट, रोटेटिंग क्राउन के साथ ट्रिपल फंक्शन, ट्रिपल द फ्लेयर, बैक ऑप्शन का भी काम करेगा, बेसिकली होम ऑप्शन का काम करेगा ये बीच वाला बटन, रोटेटिंग क्राउन की तरह भी काम करेगा, फर्स्ट बटन आपका मेन्यू पे जाने के लिए, लास्ट बटन आपका स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए काम करने वाला है। तो ट्रिपल यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं वॉच में इटसेल्फ, स्ट्रेंथ ऑफ कोबाल्ट, टफनेस ऑफ स्टील, स्टील का बिल्ड मिलेगा, और ओवरऑल आई थिंक यहाँ पे 3 कलर शेड्स में देखने को मिलेगी, 3 से 4 कलर शेड्स में। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये वॉच सिर्फ लार्ज टू मीडियम रिस्क के लिए ठीक है, थिनेस्ट वाले इस वॉच से दूर रहें, उनके हाथों पे अच्छी नहीं लगने वाली। अगर आपके रिस्ट साइज़ मिनिमम 6.5 है तो आपके हाथ पे अच्छी लगेगी, उससे नीचे आपका रिस्ट साइज़ है 6, 5.8 तो उस पे अच्छी नहीं लगने वाली। ब्लूटूथ कॉलिंग की बात हम करें, यहाँ पे कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन स्ट्रेट अवे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑनिक्स में नहीं था, रॉयल में नहीं था, डायमंड में नहीं था, तो इसमें कहाँ से मिलेगा। सेम यूआई है, एकदम डिट्टो आइडेंटिकल कॉपीड एकदम यूआई, फायरबोल्ट की ऑनिक्स वाला ही यूआई मिलता है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस गाइस वही है कि इसमें आपको जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट मिलता है, स्टाइल डिफरेंट मिलती है, दैट्स इट, और स्ट्रैप डेफिनेटली रिमूवेबल रहेगा। कॉल को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, कॉल रिकॉर्ड्स बेसिकली आपको मिल जाएगा, कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कॉल रिकॉर्ड्स मतलब जो आपकी कॉल आएंगी फोन में वो सारी की सारी वहाँ पे शोकेस कर देगा, जैसे फोन में होता है। क्विक डायल पैड है, कॉन्टैक्ट को सेव कर पाओगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले काफ़ी कमाल की है, एमोलेड डिस्प्ले है। अब आपको पता है फायरबोल्ट की एमोलेड डिस्प्ले डीपर ब्लैक पंची कलर्स देके आती है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले रहती है, तो यहाँ पे भी एज टू एज तक डिस्प्ले मिलेगी, ब्लैक बॉर्डर नहीं मिलेंगे आपको बिल्कुल भी, 750 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जिसकी वजह से सनलाइट विजिबिलिटी बहुत ही कमाल की रहने वाली है, और आपको धूप में कोई दिक्कत नहीं होने वाली वॉच में अगर आप देखते हो तो। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे 4GB स्टोरेज है, जैसे कि आप फोन मोड पे, लोकल मोड पे या बर्ड्स मोड पे कर सकते हो, आप जॉगिंग के लिए जा रहे हो तो आप इस वॉच को लेके जा सकते हो, जहाँ पे आप आराम से सॉन्ग्स को सुन पाओगे, आपको फोन लेने की जरूरत नहीं है, तो एज अ ऑफलाइन MP3 प्लेयर की तरह भी ये काम करता है। पहले के टाइम पे क्या था, आप आईपॉड लेके जाते थे या शफल प्लेयर लेके जाते थे, नैनो आईपॉड लेके जाते थे, उसकी जगह आप वॉच हाथ में पहन के सॉन्ग भी
सुन सकते हो, बर्ड्स को लगा लो अपने कानों में, तो एज अ ऑफलाइन MP3 प्लेयर की तरह काम करती है वॉच, जैसा सेम इनविजिबल या रॉयल या डायमंड में देखने को मिलता है। योर मीडिया ऑन द हैंड, यहाँ पे अगर हम बात करें बहुत सारे टन्स ऑफ वॉच फेस मिल जाते हैं बिल्ट इन वॉच में ही इटसेल्फ। बहुत सारे लोग बोलेंगे थ्रू द एप्लीकेशन कितने डाल सकते हैं, तो गाइस एप्लीकेशन में सिर्फ अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप एडिट कर सकते हो, दैट्स इट। मेरे ख्याल से उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई वॉच फेस नहीं मिलेगा आपको, बट वॉच में इटसेल्फ आपको 130 प्लस मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। मतलब आप थक जाओगे अपने हाथों से चेंज करते करते, यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला। हर एक गेटअप पे अगर आप यूज़ करते हो 130 डेज तक आप लगातार यहाँ पे वॉच फेस को चेंज कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे, जो कि काफ़ी कमाल की बात हो जाती है। मोशन सेंसिंग गेमिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, तो ये एक एडेड एडवांटेज है जो लोग मतलब पसंद करते हैं। NFC का सपोर्ट आई थिंक नहीं है, बट मोशन सेंसिंग गेमिंग्स में मिल जाता है। NFC का अलग से इसमें सपोर्ट नहीं था। स्मार्ट डोर अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता था, बट यहाँ पे कुछ गेम्स हैं थ्रू द एप्लीकेशन आप यहाँ पे खेल पाओगे मोशन सेंसिंग के थ्रू। कैसे खेलते हैं, आपके अपने हाथ पे आपको वॉच को पहनना है, उसके बाद गेम को एक्टिवेट करना है और हैंड मूवमेंट के थ्रू आप गेम्स को खेल पाओगे, तो ये काफ़ी कमाल है। एन आइकन ऑफ एलिगेंस विद अ टच ऑफ एडवेंचर, यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरऑल रगेड बिल्ड मिलता है और स्पोर्टी फील है, और देख सकते हो यहाँ पे लुक एकदम टी रेक्स की तरह, जो Amazfit की वॉच थी उस तरीके से देखने को मिलता है इसका। तो कहीं ना कहीं टी रेक्स तो बहुत पॉपुलर वॉच थी ही, तो उसी का ही एक तरीके से लोअर कम प्राइस ब्रैकेट में वर्जन मिल जाता है आपको। अगर हम बात करें हेल्थ फीचर्स की, तो हार्ट रेट मॉनिटर, स्पीड डायल मॉनिटर, स्लीप ट्रैकिंग देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स मोड की बात करें 300 प्लस स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी कमाल है। इतने कोई यूज़ भी नहीं करता है, 50 इज मोर देन इनफ, बट गाइस यहाँ पे 300 मिल जाते हैं तो ये अप्रिशिएट करने की बात है। यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग की बात करें तो यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो कोई कंपनी भी नहीं कहती कि मेडिकल डिवाइस है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इक्विपमेंट से ही चेक करना चाहिए, वॉच से नहीं। एज अ रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इट। डेडिकेटेड सेंसर जरूर मिल जाएंगे आपको हार्ट रेट, SP2 का रेड एंड ग्रीन एक्सग्नेस सेंसर जरूर मिल जाएगा आपको। 5x2 कलर शेड्स मिलेंगे आपको, स्लेट ग्रे, मिडनाइट गोल्ड, सनशाइन गोल्ड, मून सिल्वर और कोल ब्लैक। इसका मैं रिव्यू अनबॉक्सिंग जरूर लेके आऊँगा। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों की बात करते हैं, गेम्स, कैलकुलेटर, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 4GB तक रिकॉर्डिंग कर पाओगे इसमें आपको, जो स्टोरेज मिलता है, और ऑफलाइन रिकॉर्डिंग मिलेगी बेसिकली, और इवन आप यहाँ पे सीक्रेटली रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, तो खुफिया रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। आपको यहाँ पे बस स्क्रीन टाइम 5 सेकंड या 10 सेकंड का रखना है, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑन कर देनी है, वॉच का स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग चलती रहेगी इसमें, तो ये एक एडेड एडवांटेज बन जाता है आप सभी के लिए। एंड अगेन मैंने आपको बता दिया स्ट्रैप्स रिमूवेबल है, 22mm स्ट्रैप साइज आफ्टर मार्केट का आप इसमें लगा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और सेकंडली ये वॉच सिर्फ लास्ट टू मीडियम रिस्ट के लिए स्ट्रिक्टली बनी है, थिन और स्किनी रिस्ट वाले दूर रहे इस वॉच से। और कैलेंडर नहीं मिलेगा, स्टॉक मार्केट का ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें, कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको इसमें, रेस्ट वे कॉल ऑन पे सब मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रिंग वाइब्रेशन म्यूट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा इसमें, अलार्म लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, अलार्म में प्रॉपर रिंग करेगी वॉच, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड और क्या रह गया था, आई गेस गेम्स, हाँ गेम्स इसमें आपको कम से कम 5 से 6 गेम्स मिल जाएंगे, इवन 7 मिल जाएंगे आपको, बट अलग से आप गेम नहीं डाल पाओगे, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सॉन्ग्स कैसे डालेंगे इसमें, सॉन्ग्स थ्रू द फोन या आपको थ्रू द लैपटॉप आप डालने पड़ेंगे, डाउनलोड नहीं कर सकते आप डायरेक्टली। तो ये कुछ फीचर्स हैं इसके, और एग्जैक्टली सिमिलर है ओनिक्स या आपकी रॉयल या डायमंड की तरह या इनविजिबल प्लस की तरह, एकदम डिटो आइडेंटिकल ही है UI का। बट डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस है इसका बिल्ड, इसका लुक, इसका डिज़ाइन सबसे मेन डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आप कह सकते हो अदर वॉचेस से, खासकर अगर हम कंपेयर करें तो। तो आई गेस आपको ये वॉच ठीक लगी होगी, आप जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, सेम प्राइस में जिसमें आपने ओनिक्स बाई की उसी प्राइस ब्रैकेट में आपको ये लॉन्च होकर मिलने वाली है 4 दिन बाद। तो स्टे ट्यून्ड रहेगा, अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलने वाली है, वैसे आज ही आ जाती है अनबॉक्सिंग, बन चुकी है ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने अनबॉक्स कर दिया, बट पोस्टपोन हो गया इसका रिव्यू, तो वेट करिए, और बहुत ही तगड़ा सरप्राइज़ भी मिलेगा। यस, गिव अवे हम प्लान कर रहे हैं, तो गिव अवे के लिए भी आप रेडी हो जाइए, और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं अभी हाल फिलहाल में। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।